जल रक्षक संघ सराज मंडी के अध्यक्ष एवं जिला महासचिव डोलम चंद ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल रक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाए ताकि जल रक्षक अपना भरण पोषण ठीक से कर पाए। डोलम चंद ने बताया कि जल रक्षक 12 घंटे की ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन फिर भी जल रक्षकों को 3300 मासिक वेतन दिया जाता है, जो कि बेहद कम है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो जल रक्षक 12 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाए और वेतन में वृद्धि की जाए। जल रक्षक संघ सराज मंडी के अध्यक्ष एवं जिला महासचिव डोलम चंद ने जानकारी दी कि संघ की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को कई बार ज्ञापन भी भेजे गए हैं, लेकिन आज तक संघ की कोई मांग पूर्ण नहीं हुई है। अपने अधिकारों के प्रति स्वाभाविक तौर पर लड़ना महंगाई के बढ़ता है। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि हाल ही में हमने मुद्दे के समक्ष अपनी मांगों को सीएम साहब के समक्ष उनकी अपनी मांगों को रखा, लेकिन आश्वासन के तौर पर कुछ नहीं मिला। अब तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 7,000 से 8,000 के करीब जलक्षक भाई अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पूरे देश में कोने कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस महामारी संकट के दौरान हिमाचल प्रदेश के जलक्षक ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। हमें मासिक वेतन 3300 हिमाचल प्रदेश सरकार भुगतान करती है, लेकिन 3 महीनों का मासिक वेतन का भुगतान अभी हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही। अभी आने वाला प्लान हमारा ऐसा है कि हम सब डिवीजन और आप अपने एक्शन के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन भेजेंगे। अगर हमारी बातों को गौर नहीं किया गया तो हमें सड़कों पर उतना ही भारी मजबूरी बनेगी। अभी हाल ही में 12 फरवरी 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में 12 साल पूरे किए गए जलक्षकों को अनुबंध आधार पर कॉन्ट्रैक्ट विकसित किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद आज हिमाचल प्रदेश सरकार सोच विचार कर रही। हम इस महंगाई के दौर पर जाए था मुश्किल इतनी बढ़ गई है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करना असंभव हो गया। स्थिति ऐसी आ गई ऊंचाई तो के माध्यम से जाए सकते हिसाब से पूछे हमें वेतन कहाँ से मिलना चाहिए, लेकिन हमारे जो ऊंचाई कहते हैं उनके पर आपका खर्च कम आता ही। हम सुबह से विभाग की आपकी स्थिति को मजबूत करने के लिए बोर्ड संकट की आपके लिए पूरा अपना सहयोग देते हैं। पाइपों की मरम्मत के लिए हमें पैदल चलकर 6 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हर घर में शाम को खाना पके और आर्थिक रूप से पानी सुचारू रूप से हर घर घर में पानी मिले, अपनी जान के बिना परवाह किए हमें जंगलों भोजनों में जाना पड़ता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार हमारे स्थायी नीति बनाने में हमेशा इस वक्त रही। हाल ही में हमने 2019 में शिमला में सीएम साहब से भी अपनी बातों को उनके समक्ष रखा था, लेकिन आश्वासन के तौर कुछ नहीं हुआ। IPS मिनिस्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर जी के समक्ष उनकी अपनी मांगों को हमने बहुत ही रूपुर करवाया, लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन का आश्वासन मिलते। हम इस संकट की घड़ी में जाए तो जाए कहाँ। कई बार हमने विभागीय तौर पर उनके समक्ष अपनी बातों को रखा पर कुछ नहीं हुआ। इस महंगाई के दौर पर मासिक 3300 वेतन जो कि 6-7 महीने बाद हमें मिलता है, एक परिवार अगर और संकट इस महामारी संकट की आफत की घड़ी अगर हम दुकान भी जाए तो हम इस रोजगार का